नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी 6 महीना तक के लिए एस्मा एक्ट को लागू कर दिया गया है। ये जो एस्मा एक्ट है, इसके लागू हो जाने के बाद प्रदेश में किसी भी तरह के सरकारी कर्मचारी जो सरकार के अधीन आते हैं, वो न छुट्टी पर जा सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का सरकार विरोधी या किसी प्रकार के हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। हम आपको बता दें, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम एक कानून है जो 1968 से लागू है, और इसके लागू हो जाने के बाद अगर कोई सरकार या राज्य सरकार इस कानून को लागू करती है तो कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवाओं में हड़ताल में रोक लगा दी जाती है। यूपी सरकार के अधीन लोक सेवा प्राधिकरण निगम समेत सभी सरकारी विभागों में ये कानून लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये एस्मा एक्ट जो है उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक के लिए लागू किया गया है। हम आपको बता कि अगर ज़रूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश सरकार इसे आगे भी बढ़ा सकती है। अगर प्रदेश सरकार को ये समझ में आएगा कि एस्मा एक्ट की अब ज़रूरत नहीं है तो 6 महीना के पहले इसको वापस भी लिया जा सकता है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी को न छुट्टी पर जा सकते हैं, ना हड़ताल पर जा सकते हैं। तो जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मंडल स्तरीय जिला स्तरीय दौरा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, कोरोना की दूसरी जो लहर है उसके संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें भी गिरावट हुआ है। ऐसे में अब वैक्सीनेशन के अभियान को जो है युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। युवाओं के लिए पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि यूपी के सभी जिलों में 1 जून से युवाओं का भी वैक्सीनेशन पूरे तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। तो सरकारी कर्मचारी के जो स्टाफ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार कई कामों में लगे हुए हैं। ऐसे में किसी प्रकार का सरकार को जनता को दिक्कत ना हो, सरकार की सहूलियत के हिसाब से जनता की सेवा की जा सके, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि कई विभाग के लोगों को कोरोना के विरोध में जो एक लड़ाई चल रही है, वैक्सीनेशन का काम है, इसके साथ ही अन्य टीकाकरण का जो काम चल रहा है उसको देखते हुए कई विभाग के कर्मचारी लगे हैं। ऐसे में कोई विभाग आपस में हड़ताल ना करे, सरकार से किसी मांग को लेकर कोई हड़ताल ना हो, कोई जो आवश्यक सेवाओं में लगा हुआ कोई छुट्टी पर न जाए, इसको देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा एक्ट को लागू कर दिया है। अब 6 महीना तक ये उत्तर प्रदेश में प्रभावी रहेगा। उसका मतलब ये है साफ तौर पे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवाओं से जुड़े लोग आगने वाले 6 महीने तक किसी भी प्रकार के किसी हड़ताल को नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई हड़ताल में शामिल होंगे। हम आपको बता दें, ये जब एक्ट लागू हो जाता है तो इसके बाद अगर कोई सरकारी कर्मचारी या व्यक्ति या सरकारी विभाग हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ दंडनीय अपराध की श्रेणी में उसके इस काम को लिया जा सकता है, और बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार एक के बाद एक कोरोना को लेकर फैसले कर रही है, और ये जो फैसला लिया गया है ये इसलिए लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 6 महीने तक कोई भी सरकारी विभाग या सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी छुट्टी न लें, क्योंकि कोरोना काल के चलते लॉकडाउन भी चल रहा था। लॉकडाउन में कई आर्थिक गतिविधियां भी पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में बंद थी, कई विभाग के दफ्तर बंद थे, लोग घरों से काम कर रहे थे। ऐसे में कोरोना का मामला, दूसरा संक्रमण की जो चेन है वो थोड़ी सी टूटती हुई नज़र आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी सी शांत होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में जब एक बार दोबारा अगर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया शुरू होती तो जाहिर सी बात है पूरे विभाग खुलेंगे, तो जो भी बचे काम है उसका जल्दी से निपटारा हो, प्रदेश के जो अन्य विकास कार्य चल रहे हैं उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आए, तो हर विभाग जो के जो बचे काम हैं वो लगातार हो सके, इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने एस्मा एक्ट को लागू किया है, ताकि कोई भी काम, कोई भी जनता के लिए जो काम किया जा रहा है, विकास के जो काम किए जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न पड़े।